दोस्तों आज एक ऐसी मेडिसिन होने वाली है, हम उसे कह सकते हैं फादर ऑफ हर्बल मेडिसिन। पत्ते देखकर ही समझ आ गया होगा या फिर रूट्स देखकर ही समझ आ गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे एलोवेरा हैं, एलोवेरा के रूट्स हैं, प्लांट हैं। देखो आप इतने थिक है, इतने जाड़े हैं। हाँ वो अलग बात है, धूल मिट्टी लगी है, थोड़ा सा ये ऑफ ग्रीन हो गए, बट हाँ इसको वॉश करने के बाद ये ग्रीन एकदम हल्की की तरह चमचमाते हुए दिखेंगे आपको। तो हम सबको पता है एलोवेरा का यूज़ क्या है। ज़्यादा मैं डिटेल में बेनिफिट की तरफ तो नहीं बात करूँगा, बट हाँ साइड इफ़ेक्ट क्या है उसके तरफ हम ज़्यादा फोकस करेंगे दोस्तों। तो देखो यार एक बात जैसे मैं बताने वाला था, फादर ऑफ हर्बल मेडिसिन आप बोल सकते हो। हर किस चीज़ में नहीं यूज़ की जा सकती आप ये बात करो, किस चीज़ में यूज़ की जाती है ये सब हम सबको पता है। ये फ्लावर्स होते हैं एलोवेरा के, इस तरह के हल्के ऑरेंज बोल सकते हो, ऑरेंज रेडिश तरह की ये फ्लावर्स होते हैं दोस्तों, एलोवेरा के फूल होते हैं इसमें। तो हम डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बात करेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स, हाँ अब इसको निकालना कैसा होता है हम सबको पता है। हम सब ने स्पेशली फीमेल्स ने तो लॉकडाउन में या फिर फ्री टाइम में ये प्रोसीजर तो किया होगा, एलोवेरा से कैसे जेल निकाला जाता है और कैसे फेस पे अप्लाई किया जाता है। अगर जो रूट है, जो एलोवेरा के प्लांट है अगर मोटे हैं तो आपको कैसे ऊपर के लीव्स निकालने हैं नाइफ से, चाकू से, फिर उसमें जो जेल निकलता है उसको निकालने हैं, उसको वॉश करना है हल्के से, और उसके स्लाइस या फिर आप हल्का हनी वगैरह में लगा के फेस पे लगा सकते हो फॉर एक्ने की प्रॉब्लम है। अगर पिंपल्स वगैरह आते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं और पेन करते हैं, जलन करते हैं, तो आप उसे फेस पे रख सकते हो एज अ लेप। ये बात तो हो गई हम निकालें कैसे लगाएं कैसे, हम डायरेक्टली बात करते हैं क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट वाली क्या क्या बात हो सकती है दोस्तों। हील बर्न्स, अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल किसी भी कारण जल गई हो शरीर, यानी हल्का कभी कभी माचिस से या फिर कोई ये नहीं होता कि कब क्या हो जाए, अगर हल्का सा बर्न है शरीर पे, हल्का जलन है, तो आप इसका जेल लगा सकते हो उस प्रॉपर जले हुए जगह पे। आपको विद इन 10 या 15-20 मिनट्स में आपको एकदम राहत मिलेगी दोस्तों। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी ही होती है और एक तरह का मेंट होता है जो जले हुए जगह पे आपको ठंडक महसूस कराता है दोस्तों। आगे बात करें तो इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी अगर खाना नहीं पच रहा हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट भरा भरा लग रहा हो, तो उस केसेस में भी आप एलोवेरा जूस का यूज़ कर सकते हो। केमिस्ट पे या फिर हर्बल शॉप पे आपको इसके जूस, एलोवेरा जूस अवेलेबल होते हैं, पतंजलि के एलोवेरा जूस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हो और आप उससे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा कर सकते हो। जिसको पित्त यानी गैस्ट्रिक का इशू होता है ज़्यादा, या फिर ढकार आती है, उल्टी रहता है, ओक जैसा मन होता है, खाने की इच्छा नहीं होती, ज़्यादातर भरा भरा लगता है पेट, पेट साफ नहीं होता, या फिर मोशन है वो एकदम बोलते ना टाइट होता है, एज अ लेग्जेटिव भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर सामने आती है दोस्तों। तो थर्ड बेनिफिट की तरफ बढ़े तो प्रमोट्स ओरल हेल्थ, ओरल हेल्थ में बहुत अच्छा काम करती है। टूथपेस्ट मिलते हैं दोस्तों प्रॉपर एलोवेरा के अलॉन्ग विथ, तो उसमें मिंट फ्लेवर ऐड किया जाता है ताकि एक तरह का आपको ठंडक महसूस हो। तो हाइजीन के नाम पे अगर बात करें तो हैट्स ऑफ टू एलोवेरा दोस्तों। फोर्थ बेनिफिट की तरफ बढ़े तो क्लियर एक्ने, जैसा मैंने ऑलरेडी प्रीवियस अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया, कैसे निकालना है, कैसे चेहरे पे लगाना है, वो सब हमें नेचुरल तरीके पता है। और अगर आप इतना टिटम्मा, इतना काम नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो डायरेक्टली आप पतंजलि का एलोवेरा फेस वॉश या फेस पैक यूज़ कर सकते हो, कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। मैं फोकस बेसिकली मैं अपने पेशेंट को पतंजलि रेफ़र करता हूँ बिकॉज नो साइड इफ़ेक्ट, और साथ ही एकदम नेचुरल तरीके से उसमें किया जाता है दोस्तों। देन अगर पाइल्स की शिकायत है, फिशरा है,
बाथरूम करते हैं, आपको लैट्रिन जो होती है, संडास जो होती है, टाइट होता है, तो उस केसेस में एलोवेरा जेल जेल मार्केट में अवेलेबल होता है दोस्तों। तो आप एलोवेरा जेल यूज़ करके मोशन जो होता है उसको नॉन स्टिकी या फिर ईजिली स्मूथेबल ऐसा लग्जेटिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया। तो हम डायरेक्टली बढ़ते हैं, अभी तो मैंने बेनिफिट की बात कर ली, हम बढ़ते हैं हम किस किस केसेस में इसको नहीं ले सकते, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है दोस्तों। कभी कभी किडनी पर साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि पेशाब में ब्लड आ सकता है, अगर एक पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो। देन कभी कभी लो पोटेशियम नमक, एक डिहाइड्रेशन जैसा हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, मसल वीकनेस लग सकता है। देन कभी कभी डायरिया की शिकायत होती है, ज़्यादा ओरली एलोवेरा लेने से, टैबलेट्स वगैरह यूज़ करने से पेट ख़राब हो सकता है, डायरिया, लूज़ मोशन, और उसी के साथ कभी कभी डिसेंट्री की भी शिकायत हो सकती है। देन जैसा मैंने बताया, नौशिया, स्टमक पेन, हल्का पेट में मरोड़ के दर्द भी हो सकता है। देन डिस्कस किया हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस यानी हमारे बॉडी में शुगर सॉल्ट की कमी हो सकती है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो इनबैलेंस हो जाएगा, नमक शक्कर का घोल कम होने से आपको चक्कर आ सकते हैं, आप कहीं गिर सकते हो, तो ये पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट इसके हैं। अगर आप एलोवेरा इंटरनली यानी कुछ टैबलेट फॉर्म में लेते हो तो उसको अवॉइड करना, जैसे कि अगर आपको हेमोराइड्स की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, तो आपको इंटरनली कुछ नहीं लेना है, टैबलेट फॉर्म में कुछ नहीं लेना है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। मैं डिस्कस किया कि आप सिर्फ ट्यूब यूज़ कर सकते हो, वजह एनल ट्यूब यूज़ कर सकते हो ताकि मोशन अच्छा हो जाए, बट आपको कुछ टैबलेट्स वगैरह लेनी नहीं होती। देन अगर किडनी कंडीशन डिसऑर्डर है तो भी आप एलोवेरा यूज़ नहीं कर सकते। देन कार्डियक कंडीशन है कुछ, अगर हार्ट की तकलीफ़ है, हार्ट की दवाई आपकी चालू है तो भी नहीं ले सकते आप। देन डायबिटीज़, शुगर ले रहे हो तो भी आप एलोवेरा टैबलेट्स का अवॉइड कीजिएगा, आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों ये सब पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स थे, कुछ मैंने बताया कि किस किस कंडीशन में आप नहीं ले सकते, एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, थोड़ा सा डिटेल में बेनिफिट की बात की। तो दोस्तों वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कहीं भी कुछ छूटा हो, टॉपिक कवर नहीं किया हो मैंने तो भी मुझे बताना, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।